नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर। आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। आंदोलन काफ़ी उग्र होता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अभी अभी बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने फीस वृद्धि मामले को लेकर ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कसा तंज। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है, विपक्षी पार्टियों को सरकार की जन विरोधी नीतियों और उनकी निरंकुशता तथा जुल्म ज्यादती आदि को लेकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना भाजपा सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है। मायावती ने आगे लिखा है, साथ ही बात बात पर मुकदमे वाले लोगों की गिरफ्तारी एवं विरोध को कुचलने की बनी सरकार की धारणा अति घातक है। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इसी क्रम में ट्वीट किया है, आगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा फीस में एकमुश्त भारी वृद्धि करने के विरोध में छात्रों के आंदोलन को जिस प्रकार से कुचलने का प्रयास जारी है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि वह अनुचित व निंदनीय यूपी सरकार अपनी निरंकुशता को त्याग कर छात्रों की वाजिब मांगे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। बहुजन समाज पार्टी की यह मांग है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने तीसरे लाइन में ट्वीट करते हुए लिखा है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल, सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था आदि के प्रति यूपी सरकार की लापरवाही के विरुद्ध धरना प्रदर्शन नहीं करने देने व उन पर दमन चक्र के पहले भारतीय जनता पार्टी जरूर सोचे कि विधान भवन के ऊपर सामने बात बात पर सड़क जाम करके आम जनजीवन ठप करने का उनका क्रूर इतिहास रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।